कहानी शुरू होती है लिटिल टोट्स स्कूल में, जहां कुछ लोग अपने बच्चों को ड्रॉप करने आए होते हैं। तभी नैना आती है और ये पता चलता है कि ये स्कूल नैना की देखरेख में चलता है और वो कुछ दिनों की छुट्टी के बाद आज स्कूल आई है। सभी बच्चे नैना को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और नैना भी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। यहाँ तक कि नैना को सबके नाम और जन्मदिन तक याद हैं। आज निहारिका का बर्थडे है और वो उसके मम्मी पापा से उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करती है। वो मना करती है पर नैना ये कहकर उसे मना लेती है कि वो सब मैनेज कर लेगी। साथ ही साथ उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि निहारिका के ड्राइवर से केक मंगवा दें। स्कूल के दूसरे हिस्से में नैना अपने मंगेतर रोहित के साथ रहती है। रोहित एक वकील है और नैना ने भी क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई की है। सबके जाने के बाद सिर्फ बच्चे, नैना की नौकरानी सावित्री और नैना ही स्कूल में होते हैं। नैना अपनी नौकरानी सावित्री को आधार कार्ड अपडेट करने के लिए छुट्टी दे देती है और वो बच्चों के साथ एंजॉय करने लगती है और धीरे धीरे सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगती है। जैसे ही बच्चे कार्टून देखने में लग जाते हैं, नैना पुलिस को फोन करती है और कहती है कि उसके लिटिल टॉट्स स्कूल में 16 बच्चों को होस्टेज बना लिया गया है और उसकी कुछ शर्तें हैं। दूसरी तरफ सावित्री को पता चलता है कि वो आधार कार्ड स्कूल में भूल आई है। निहारिका का ड्राइवर केक लेकर आता है और नैना उससे अंदर आने को कहती है। अचानक से ड्राइवर की नजर नैना की बंदूक पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। नैना उसे गन दिखाकर एक कुर्सी पर बांध देती है। इतने में सावित्री भी वापस आती है और मेन गेट बंद होने की वजह से वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाती है। नैना उसे भी एक कुर्सी में बांध देती है। बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है और रिसेप्शन पे पता करने पर उसे पता चलता है कि किसी ने मजाक किया है। तभी उसकी सीनियर कैथरीन वहां आती है जो कि प्रेग्नेंट है और वो अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके यहां आई है। नैना ये सब खिड़की से नोटिस करती है। वो जैसे ही वहां से जाने वाले होते हैं, नैना दरवाजे पे आकर हवा में एक फायर करती है। अचानक से माहौल तनाव से भर जाता है। कैथरीन नैना से फोन पर बात करती है और नैना उससे कहती है कि वो सिर्फ जावेद खान से बात करेगी। जावेद खान जो कि नाइट ड्यूटी पे था, सो रहा होता है। कैथरीन उसे फोन करती है और सिचुएशन के बारे में बताती है। जावेद लोकेशन पे पहुंचता है और ऐसा लगता है कि कैथरीन और जावेद एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। रोहित को भी ये सब कुछ पता चलता है और वो परेशान होने लगता है। जावेद नैना से फोन पर बात करता है और नैना उससे कहती है कि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए और बदले में वो एक बच्चे को छोड़ देगी। जावेद तुरंत उसकी डिमांड मान लेता है और इस बात पर उसकी कैथरीन से बहस हो जाती है। नैना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रिलीज कर देती है जिसमें वो अपनी डिमांड के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो हर घंटे एक बच्चे को मार देगी। ये वीडियो वायरल हो जाता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कैथरीन कुछ और फोर्सेस को भी बुला लेती है और उन्हें वो अंदर जाने का ऑर्डर दे देती है। नैना ये सब न्यूज चैनल पर देखती है और तभी उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। नैना हड़बड़ा जाती है और वो जावेद को फोन करके धमकाती है कि कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद जल्दी से सबको रोकता है और नैना को ऐसा लगता है कि कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। वो सावित्री के फोन से इंटरनेट शेयर करके लाइव वीडियो पर एक बच्चे जिसका नाम आकाश है उसे गोली मार देती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, नैना का इंटरनेट रीस्टोर कर दिया जाता है और उसके अकाउंट्स में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नैना फिर जावेद को कहती है कि वो दो नाम नोट करे, राकेश माथुर और चरण कुमार, और वो उन दोनों को वहां बुलाने को कहती है और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री माया राजगुरु से बात करने की शर्त भी रखती है। जावेद उसकी इस डिमांड को सुनकर थोड़ा ताज्जुब में पड़ जाता है और वो अपने सीनियर को सारी बातें बताता है। तभी वो नोटिस करता है कि नैना लाइव आकर अपने डिमांड के बारे में बता रही है और साथ ही साथ ये कहती है कि अब अगले बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और वो एक मीटिंग अरेंज करने को बोलती है। इसी बीच नैना को हेलुसिनेशन होता है और वो दबा लेती है, फिर वो एक बच्चे को छोड़ देती है। प्रधानमंत्री, एनएसए चीफ और होम मिनिस्टर से बात करती हैं और दोनों ही नैना से ना बात करने की सलाह देते हैं। रोहित वापस आता है और जावेद उससे नैना के बारे में पूछताछ करता है। रोहित उसे नैना की माँ के बारे में बताता है। जावेद अपनी टीम को उसकी माँ के लोकेशन के बारे में पता करने को बोलता है।
माया राजगुरु नैना की लाइव वीडियो देखती है जिसमें वो कहती है कि अगर प्रधानमंत्री उससे बात करेंगी तो वो दो बच्चों को छोड़ देगी। काफी विचार के बाद प्रधानमंत्री नैना से बात करती हैं और तब नैना कहती है कि वो सबको छोड़ देगी अगर प्रधानमंत्री उसके घर आए और आमने सामने बैठ कर बात करें। दूसरी तरफ कैथरीन उसके माँ के घर पहुंचती है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। वहां उसे नैना की माँ की तस्वीर और कुछ एंटी डिप्रेशन पिल्स मिलती हैं। नैना का कंप्यूटर चेक करने पर उसे एक मेडिटेशन सेंटर का बिल मिलता है। नैना अपने वादे के मुताबिक दो और बच्चों को जाने देती है। सीनियर ऑफिसर्स जावेद को बताते हैं कि प्रधानमंत्री अब नैना की कोई बात नहीं मानेंगी। जैसे ही नैना को ये बात पता चलती है वो एक लाइव पोल शुरू करती है जिसमें एक बच्चा, सावित्री और ड्राइवर की फोटो डाल के लोगों से पूछती है कि किसको पहले मारा जाए। माया राजगुरु को जैसे ही ये बात पता चलती है वो अपने टीम को फटकारती है। दूसरी तरफ नैना की मम्मी को मेडिटेशन सेंटर से हिरासत में ले लिया जाता है। सावित्री नैना को इशारा करती है कि उसे वॉशरूम जाना है, पर जैसे ही नैना उसे खोलती है वो नैना पर हमला कर देती है और ड्राइवर को भी खोल देती है। तीनों के बीच में एक हाथापाई शुरू हो जाती है, पर अंत में नैना ड्राइवर पर गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर हड़कंप मच जाता है। तभी नैना फिर से लाइव आती है और बताती है कि ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था और उसने उस पे गोली चला दी है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब वो उन तीनों को मार देगी। माया राजगुरु ये सब टीवी पर देखती है। राकेश माथुर को कैथरीन और उनकी टीम हिरासत में ले लेती हैं और कैथरीन की बात नैना की डॉक्टर से भी होती है और ये पता चलता है कि नैना जब 16 साल की थी तब से वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रही है। नैना को मैसेज मिलता है कि प्रधानमंत्री आ रही हैं और वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जावेद जब नैना की मां से पूछताछ शुरू करता है तो पता चलता है कि नैना जब 16 साल की थी तब उसका रेप हुआ था और वो केस जावेद के पास था, पर जावेद ने उस वक्त कुछ नहीं किया। जावेद गिल्ट में वहां से उठकर बाहर आ जाता है। कैथरीन लोकेशन पर वापस आती है और जावेद से बात करती है। तब ये पता चलता है कि इन्होंने हाई प्रोफाइल केस की वजह से नैना के केस पे ध्यान नहीं दिया था और जावेद कहता है कि नैना सब कुछ आज उसकी वजह से ही कर रही है। तभी माया राजगुरु वहां पहुंच जाती है और जावेद पीएम को सब कुछ बताता है। वो नैना से बात करती है और नैना उनसे अंदर आने को कहती है, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नैना ने एक बच्चे को मार दिया था और उनका अंदर आना उनके लिए सेफ नहीं है। नैना फोन को होल्ड पे डालती है और सावित्री और आकाश को बाहर भेजती है। इसका मतलब नैना ने आकाश को गोली नहीं मारी थी। फिर नैना कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा है और अब पीएम उससे आकर मिल सकती है। जावेद नैना से फिर से बात करता है और बताता है कि उसकी माँ अब उसके पास है और उसे सब कुछ पता है। नैना अपनी लास्ट डिमांड रखती है। जावेद माया राजगुरु के साथ अंदर जाते हैं। नैना और जावेद एक दूसरे पर पिस्तौल तान के खड़े हो जाते हैं। माया राजगुरु के इशारे पे दोनों पिस्तौल नीचे करते हैं और नैना कहती है कि एक बार सारी बातें हो जाएं, फिर वो सबको अपने साथ ले जा सकते हैं। बातचीत शुरू होती है और सब कुछ लाइव होने की वजह से बाहर कैथरीन और बाकी लोग भी सब देख रहे होते हैं। नैना माया की तरफ लैपटॉप घुमाती है और सेंड बटन दबाने को कहती है और बताती है कि ये जो 5 करोड़ रुपए हैं वो रेप रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजे जा रहे हैं। इसके बाद नैना रेप कन्विक्टेड के लिए कैपिटल पनिशमेंट के लॉ को पास करने की बात करती है। माया राजगुरु कहती है कि इन सब चीजों में टाइम लगता है। फिर नैना बताती है कि राकेश माथुर ने उसका रेप नहीं किया था, पर उसने उसका रेप होते वक्त उसके हाथों को दबोच रखा था और उसकी आंखें नैना की तरफ बेरहमी से देख रही थी। माया राजगुरु कहती है कि वो उसके रेपिस्ट को ढूंढेंगी। इस पर नैना कहती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका रेपिस्ट वहीं पर बैठा हुआ है और ये पता चलता है कि वो ड्राइवर ही चरण कुमार है, उसी ने उसका रेप किया था और वो नाम बदल के अपनी जिंदगी जी रहा है। वो बताती है कि 3 हफ्ते पहले उसने उसको देखा और जब वो निहारिका को स्कूल छोड़ने आया था और उसको ये डर हुआ कि किसी दिन अगर निहारिका के साथ वैसा ही हुआ जो उसके साथ हुआ था तो इसीलिए वो उसको नहीं छोड़ेगी। इतने में कमांडो घर के अंदर आने लगते हैं और नैना अपनी पिस्तौल ड्राइवर पे तान के पूछती है कि क्या उसने नैना का रेप किया था। मौका पाते ही चरण जावेद की पिस्तौल ले लेता है, पर वो पिस्तौल लॉक्ड होती है। नैना उस पे गोलियां चला देती है। कमांडो अंदर आ जाते हैं और नैना को कस्टडी में ले लेते हैं। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। नैना की लास्ट डिमांड यही होती है कि वो जब जावेद अंदर आए तो उसका पिस्तौल लॉक्ड रहे और ये दिखाया जाता है कि माया राजगुरु ये प्रपोजल संसद में रखती है। 6 महीने बाद नैना जेल में रेप पीड़ितों को पढ़ा रही होती है।
कैपिटल पनिशमेंट लॉ पास हो चुका है और इसी के साथ फिल्म यहां पर एंड हो जाती है।